दुकानों से लेकर ठेलों तक दुकानदार और दुकान में काम करने वाले लोगों का नाम लिखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के एक फैसले से यूपी की सियासत तेज हो गई। विपक्ष बीजेपी को घेरने लगा, कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़िए हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया। आदेश था, कांवड़ यात्रा वाले रूट पर पड़ने वाली दुकानें, ठेले और ढाबों के बाहर दुकानदार और दुकान में काम करने वाले लोगों का नाम लिखना होगा, ताकि कांवड़िए नाम देखकर जान सके कि वो सामान किससे खरीद रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस के द्वारा यह आदेश जारी होने लगा, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया। यहां तक कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इस फैसले के खिलाफ नजर आए, लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दे दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। कांवड़ियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। कांवड़ रूट के दुकानों और ठेलों के लिए आदेश में कहा गया, सभी दुकानों ठेलों पर अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। सीएम ऑफिस से कहा गया, उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए इस फैसले को लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से भेदभाव पूर्ण बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस फैसले को सामाजिक अपराध करार किया और कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला बताया। लेकिन अब यूपी पुलिस के आदेश पर सीएम योगी की मोहर लग चुकी है और विवाद अब और भी बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।